दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्राइमर के कुछ इम्पोर्टेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पहले से कुछ कुछ मालूम है, लेकिन ये वीडियो में आप कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम घर बनाते हैं तो कलर का बात आता है, तो पहले से आता है प्राइमर। तो ये बहुत मायने रखता है कि हमारा प्राइमर ही डिसाइड करता है कि हमारे कलर के ऊपर, यानी कि कलर कितना समय तक जाएगा। प्राइमर आप अच्छी तरह से लगाए और अच्छी क्वालिटी का लगाया है तो आपका कलर भी बहुत बढ़िया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्राइमर करना। दोस्तों हम प्राइमर ऐसा भी करते हैं, जैसे कि हम प्राइमर करने के बाद उसके ऊपर कलर करते हैं और पुट्टी करने के बाद, यानी कि पुट्टी सैंड पेपर पूरा फिनिशिंग होने के बाद भी प्राइमर करते हैं। ऐसा करने से कलर का पकड़ बहुत मजबूती रहता है, लेकिन ये सब करना अनिवार्य है, इसलिए दोस्तों इसको कभी भी अवॉइड मत करना। जितना हो सके अच्छा प्राइमर लगाना। मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि प्राइमर डिसाइड करता है आपके कलर के मजबूती के ऊपर और आपके कलर का फिनिशिंग के ऊपर, इसलिए जितना अच्छा हो सके वो अच्छे से अच्छा प्राइमर लगाइए। दोस्तों हमको पूरी तरह से पता है कि हमारा दो टाइप का प्राइमर आता है, एक एक्सटीरियर का और इंटीरियर का, और भी एक आता है जो कि हम लकड़ी में लोहे में लगाते हैं, वो भी प्राइमर आता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि जो हमारा ऑयल बेस्ड प्राइमर होता है वो हम लकड़ी में और लोहे में लगाते हैं। हमारे घर में जितना भी फर्नीचर है और ग्रिल, ये सब जितना भी एरिया है हम ऑयल बेस्ड प्राइमर लगा सकते हैं। उसमें दोस्तों हम ऑयल मिला सकते हैं, जैसे कि थिनर, तारपिन, ये सब मिला सकते हैं। आप पानी और किरोसिन मिला नहीं सकते हैं, ऐसा करने से पूरा प्राइमर ख़राब होता है, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद आता है दोस्तों हमारा एक्सटीरियर और इंटीरियर प्राइमर। कभी भी दोस्तों ये याद रखना कि इंटीरियर प्राइमर को कभी एक्सटीरियर में यूज मत करना, ऐसा करने से वो कम दिन लास्टिंग देता है, और एक्सटीरियर प्राइमर को आप इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ एक्सटीरियर प्राइमर के बारे में डिस्कस हम करते हैं। दोस्तों एक्सटीरियर प्राइमर में पहला आता है ट्यूब केयर प्राइमर, ये दोस्तों पानी आधारित रहता है ये प्राइमर। ये प्राइमर के बाद आप दोस्तों सभी प्रकार के पेंट कर सकते हैं, यानी कि आउटसाइड का। उसके बाद दोस्तों आता है ट्यूब केयर एक्सटीरियर वॉल प्राइमर, ये भी दोस्तों पानी आधारित प्राइमर होता है। इस प्राइमर के ऊपर हम जो भी कलर लगाते हैं ये प्राइमर हेल्प करता है ज़्यादा दिन तक लास्टिंग देने के लिए आपके कलर को। उसके बाद दोस्तों आते हैं ट्यूब केयर बायो ब्लैक प्राइमर, ये प्राइमर दोस्तों एक्रेलिक बेस्ड प्राइमर होता है। ये प्राइमर दोस्तों करने के बाद आप जिस तरह का कलर भी कर सकते हैं, और ये प्राइमर होने के बाद आपके दीवारों में फफूंदे, इस तरह का कुछ भी प्रकार का समस्या आने में ना के बराबर रहता है, इसलिए आप ये भी प्राइमर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम कुछ इंटीरियर प्राइमर के बारे में डिस्कस अभी करेंगे। पहला आता है दोस्तों हमारा ट्यूब केयर इंटीरियर वॉल प्राइमर एडवांस। दोस्तों ये प्राइमर भी पानी आधारित या पानी मिश्रित प्राइमर है। ये प्राइमर करने के बाद आप उसके ऊपर डिस्टेम्बर और प्लास्टिक पेंट, यानी कि इमोशन पेंटिंग आप कर सकते हैं। उसके दोस्तों हम आते हैं ट्यूब केयर इंटीरियर वॉल प्राइमर, ये भी प्राइमर आप दोस्तों करने के बाद आप डिस्टेम्बर और इमोशन पेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस प्राइमर करने से आपका डिस्टेम्बर इमोशन बहुत लुक अच्छा देता है, यानी कि बेहतर फिनिशिंग देता है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं रॉयल वॉल बेस कोट प्राइमर। ये प्राइमर का खास बात यही है कि दोस्तों आपके जिस भी एरिया में फफूंदे और सीलन रहता है इस प्राइमर को आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप कलर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं लास्ट में आते हैं ट्यूब केयर इंटीरियर इकोनॉमिक वॉल प्राइमर। इसका भी खास बात यही है कि ये प्राइमर मारने के बाद आप डिस्टेम्बर और इमोशन पेंट आप कर सकते हैं, और भी दोस्तों ये प्राइमर लगाने के बाद आपके दीवारों में आने वाले फफूंदे से आप बच सकते हैं। तो ये वीडियो में इतना ही था दोस्तों, थैंक यू।